नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। द फोर्स, ये फोर्स दी हुई है, इज अप्लाइड टू अ पॉइंट, ये हमारे पास कोई पॉइंट है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट द पॉइंट होगा, तो वो जो इनिशियल पॉइंट होगा वो होगा, यानी इनिशियल पॉइंट हमने ए लिया है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट होगा और ये पी होगा। अभी डायग्राम से आपको मज़ी समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स लग रही है और एक पॉइंट है। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 3i + 2j - 4k, और एक पॉइंट है, इस अप्लाइड एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे अप्लाई हुई है फोर्स वो है 1 - 1 और 2। फाइंड द मोमेंट, हमें मोमेंट फाइंड करना है ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। अबाउट अ पॉइंट होगा तो वो आउटसाइड इनिशियल पॉइंट होगा, तो वो यहाँ पर ए आ जाएगा, 2 - 1 और 3। सही है, तो हमें मोमेंट फाइंड करना है, यानी आर, ये नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हमारे पास हो जाएगा ए बी डिस्टेंस, ए पी डिस्टेंस। तो ए पी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ पी माइनस ओ ए। तो यहाँ पर हमारे पास पी है हमारे पास 1 - 2, आई आ जाएगा +-1 - - +, हो जाएगा जे, और +2 - 3 के। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस आई और +0j और -k। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, और फोर्स तो पहले से ही है हमारे पास क्वेश्चन में, 3i + 2j - 4k। अब हमने मोमेंट फाइंड करना है, मोमेंट फाइंड करना है, तो मोमेंट होगा आर क्रॉस एफ, और इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आई जे के इंटू आर, सबसे पहले आर के जो भी पॉइंट्स हैं -1, 0 और -1, और फिर उसके बाद एफ 3, 2 और -1, -4। सही है, अब इसके बाद हमने इसका वो ले लेना है डिटर्मिनेंट, आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड -1, 2 और -4, -j आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये दोनों एक्सपेंड हो जाएंगे, -1, -1, 3 और ये आ जाएगा -4 और +k, यहाँ पर ये दोनों एक्सपेंड हो जाएंगे और हमारे पास -1, 0, 3 और 2। सही हो गया। अब उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये तो 0 हो जाएगा माइनस, और ये हमारे पास +2 आ जाएगा, -j, और यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4 - +3 और +k, ये माइनस होगा तो 2 और यहाँ पर +0। अब यहाँ पर 2i - 7j - 2k। क्वेश्चन नंबर 12। अ फोर्स, ये फोर्स दी हुई है पास थ्रू अ पॉइंट, और इस पॉइंट से पास करिए, फाइंड द मूवमेंट पॉइंट, ये हमारे पास ए वाला पॉइंट होगा, जो डायग्राम में हमने ए लेट किया था ना, वो ये ए होगा इनिशियल पॉइंट और ये हमारे पास फाइनल पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास फोर्स है और यहाँ पर है 4i - 3k, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है, सॉरी फाइनल पॉइंट है, वो है ए दिया है इन्होंने 2 - 2 और 5। और फाइंड द मोमेंट आर्म ऑफ एफ अबाउट, अबाउट जब भी आया ना तो वो हमारे पास ये आउटसाइड वाला पॉइंट होगा, यानी इनिशियल पॉइंट, इसको इन्होंने बी दिया है नाम, तो 1 - 3 और यहाँ पर 1। तो ये हमने ऐसे फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम आर फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी ए, सही है, तो ये हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी
तो इसके अंदर से ये माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 आई प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 जे प्लस 5 माइनस 1 के। तो यहाँ पर आ जाएगा आई प्लस के प्लस जे प्लस 4 के। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास फोर्स गिवन है तो मोमेंट फाइंड करना है, हमने मोमेंट फाइंड करना है तो मोमेंट आर क्रॉस एफ के इक्वल है। तो आर क्रॉस एफ हमारे पास इक्वल होता है आई जे और के, और आर का पहले लिखेंगे आर 1 1 4 और ये एफ 4 और 0 और यहाँ पर -3। सही है। अब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, आई इंटू 1 4 0 -3 और माइनस जे, ये कट जाएगा तो 1 4 4 -3 और प्लस यहाँ पर के की जगह यहाँ पर 1 होगा, 1 1 ये दोनों बचेंगे तो 1 1 4 0। सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले इसके साथ, i -3 -0 माइनस j, इसको -3 -4 4 16 प्लस 1 0 प्लस यहाँ पर k आएगा, k नहीं k ही होगा और ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 आई प्लस 19 जे माइनस 4 के। तो हमारे पास मोमेंटम मोमेंट की वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 13 गिव द फोर्स, फोर्स के दी वी एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये हमारे पास पी पॉइंट होगा, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट द पॉइंट, ये पॉइंट ये हमारे पास ए पॉइंट होगा। यानी अब हमें अब इसकी डायग्राम बनाते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स है, फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है 2i प्लस जे माइनस 3k और ये हमारे पास जिस पॉइंट पे है इन्होंने बुक वालों ने उसे ए नाम दिया हुआ है, वैसे हमने डायग्राम में उसे पी लिखा था, कोई भी नाम देते हैं। और जो इनिशियल पॉइंट है इसका वो बी है 2 0 और यहाँ पर -2। सही है। और हमें आर मोमेंट फाइंड करना है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा r इज़ इक्वल टू मोमेंट आर्म इज़ इक्वल टू बी ए डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ ए माइनस ओ बी। तो ओ ए हमारे पास ये वाले के अंदर से ये माइनस करेंगे 1 -2 आई प्लस -2 -0 जे प्लस 1 प्लस 2 के। तो यहाँ पर माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k आ जाएगा, ये r की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है मोमेंट, मोमेंट होता है हमारे पास r क्रॉस f, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये हमारे पास इक्वल होता है i j k, पहले r लिखते हैं माइनस 1 माइनस 2 3 और फोर्स हमारे पास 2 1 और -3। अब इसका हमने डिटरमिनेंट लेना है, पहला दो कैंसिल -2 3 1 और -3 माइनस जे, ये दोनों कैंसिल -1 3 2 -2 -3 प्लस के, ये दोनों कैंसिल -1 -2 2 और 1। सही है। ये सिंपली मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा -3 माइनस जे, ये हमारे पास 3 आ जाएगा -6 प्लस के -1 प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस 4।
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3i माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3j प्लस 3k। तो ये हमारे पास मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मोमेंट अबाउट। अबाउट है तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, आउटसाइड द लाइन है। तो ये ए पॉइंट हो गया ऑफ ईच ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस। ये हमें तीन फोर्सेस दी हुई हैं, इन्हें ऐड अप करेंगे और ये हमें पी पॉइंट दिया हुआ है। इज देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो स्केच बना लेते हैं पहले क्वेश्चन का। ये हमारे पास फोर्स हमें फाइंड करनी है, हमें तीन फोर्सेस दी हुई हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट होगा। अबाउट जब भी आए ना तो ये हमारे पास ए आउटसाइड इनिशियल पॉइंट होगा 111, और यहाँ पर पी पॉइंट दिया हुआ है 201, सही है। और यहाँ पर ये आर फाइंड करना है और फोर्सेस हम ऐड अप करके नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे। पहले आर फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी यानी ओ बी माइनस ओ ए। तो इसके अंदर से ए पी लिखते हैं बी की जगह, ओ पी माइनस ओ ए। तो यहाँ पर इसके अंदर से ये माइनस करेंगे 2-1 आई प्लस 0-1 जे प्लस 1-1 के, सही है। I आ जाएगा माइनस j आ जाएगा प्लस 0k आ जाएगा। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब फोर्सेस नेट फाइंड करने के लिए हम F1 प्लस F2 प्लस F3 कर देंगे। तो हमारे पास F1 है I प्लस I माइनस 2j और प्लस 3i प्लस 2j माइनस के प्लस 5j प्लस 2k, सही है। तो इन सारों को ऐड करना है। ये हो जाएगा हमारे पास 4, 5, 6, 7 आई हो जाएगा। और यहाँ पर j की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास i नहीं है बल्कि ये तो हमारे पास j था। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4i, और यहाँ पर ये जे और ये जे कट जाएगा, प्लस 5j बचेगा, माइनस 1 और प्लस 2 हमारे पास प्लस के इक्वल बनेगा। तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। अब हमें मोमेंट फाइंड करना है। मोमेंट तो वो इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड f। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम i, j और k, फर्स्ट टर्म r हमारे पास है 1-1 0 और ये हमारे पास है 4, 5 और 1। अब इसका हमने डिटरमिनेंट लेना है। तो डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, आई वाली टर्म इन दोनों को कैंसिल आउट, -1 0 5 और 1 माइनस जे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1041, ये वाला कैंसिल आउट हो गया ना। और उसके लास्ट में ये दोनों कैंसिल आउट होंगे k के लिए, प्लस k, और हमारे पास हो जाएगा 1-1 और 4 और 1, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये वाली टर्म, तो -1-0 माइनस j, ये वाली टर्म 1-0 और प्लस k, और यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म ये आ जाएगी 1-4। तो ये आ जाएगी हमारे पास माइनस आई माइनस जे और प्लस 5k। अच्छा, यहाँ पर जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 बचेगा। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 अंदर 5, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मोमेंट आ गया ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.5।
ये फोर्स डीवी इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट, फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट. ये हमारे पास पॉइंट ए हो जाएगा और ये हमारे पास पॉइंट पी, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट. तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं. इसमें हमारे पास सबसे पहले फोर्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 7i + 4j - 3k, और ये जो पॉइंट पे अप्लाई है, पॉइंट दिया हुआ है 1, -2 और 3, और फाइंड मूवमेंट अबाउट जिस पॉइंट फाइंड करना है वो q 2 1 1, और ये हमारे पास r यहाँ पर इक्वल होता है. सही है. तो यहाँ पर r हो जाएगा हमारे पास QP. सही है. इसका मतलब OP - OQ. सही है. तो ये वाला इसके अंदर से माइनस करना है, तो 1 - 2i हो जाएगा, प्लस -2 - 1j प्लस 3 - 1k. तो ये आ जाएगा -i - 3j प्लस 2k. ये r की वैल्यू आ गई. अब हमने फाइंड करना है मोमेंट. मोमेंट इज इक्वल टू r क्रॉस f क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ पर ij k, और यहाँ पर सबसे पहले r लिखते हैं, r -1, -3 और 2, और f हमारे पास है ये वाली वैल्यू 7, 4 और -3. अब इसका हमने डिटरमिनेंट लेना है. फर्स्ट और ये रो कैंसिल, तो हमारे पास -3, 2 और 4 और -3 बचेगा, -j ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास -1, 2, 7 - 3 + k, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास -1, -3 और 7 और 4. अब उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करवाना है. पहले हमेशा ये वाली साइड मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 - 4 - 8 - j. अब यहाँ पर ये वाली टर्म होगी, तो 3 - 14 + k, पहले ये वाली, तो -4 - 7 - 3 - 21, तो +21. अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर i आ जाएगा सिर्फ, -3 - 14 - 11, तो यहाँ पर +11j आ जाएगा, और -4 + 21 ये आ जाएगा 17, तो +17k. ये हमारे पास मूमेंट आ गया लास्ट क्वेश्चन का. तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.3. तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.5. आई होप आपको समझ आई हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.